ट्रैफिक विभाग है मस्त, जनता जाम लगने की वजह से है त्रस्त। बेवजह लग रहा जाम, ट्रैफिक कर्मी करे आराम। ये विजुअल्स जो आप अपने कैमरा स्क्रीन्स पर इस समय देख पा रहे हैं, ये वीडियोस शहर के एक ऐसे चौक की है जहां हर वक्त गाड़ियों का तांता लगा रहता है, क्योंकि ये चौक बिल्कुल मध्य में स्थित है। मार्बल मार्केट, छन्नी, त्रिकुटा नगर, ग्रेटर कैलाश का सारा ट्रैफिक यहां से होकर गुजरता है और आप इन विजुअल्स में हालात देख पा रहे होंगे कि कैसे शाम के वक़्त यहां पर लोग रास्ते के साइड पर रेहड़ी फड़ी लगा लेते हैं, जिसकी वजह से गाड़ियों का पास होना वहां से मुश्किल हो जाता है। और तो और इस चौक से चार रास्ते गुजरते हैं और चौक के सेंटर में बिल्कुल ट्रैफिक पुलिस का बूथ भी इंस्टॉल्ड है, जहां हर वक्त ट्रैफिक पुलिस मौजूद रहती है। फिर भी चारों तरफ चौक क्या जाम की स्थिति देख सकते हैं, हर जगह रेड़ी फड़ी और कई जगह तो लोग फुटपाथ कवर करके अपना सामान बेच रहे हैं। लोग खरीदारी करने के लिए जब रुकेंगे अपना वाहन साइड पर लगा के रोड के, तो जगह कहाँ बचेगी किसी और गाड़ी के वहाँ से निकलने की। और ट्रैफिक कर्मी ये सब नज़ारा, ये जाम देखकर अपनी आंखें मूंद लेते हैं। वहीं अगर दूसरी ओर एलजी का काफिला यहाँ से अगर गुजरना हो तो हिम्मत है किसी की कि ट्रैफिक विभाग या जम्मू कश्मीर पुलिस वाले यहाँ रास्ते के बीचों बीच या फुटपाथ पर किसी को सामान बेचने दें या खड़ा भी होने दें। लेकिन आम इंसान रोज़ इस अननेसेसरी लग रहे जाम से परेशान होता है, लेकिन ट्रैफिक विभाग को कहाँ ही कोई फ़र्क पड़ता है और ना जम्मू कश्मीर पुलिस को कोई फ़र्क पड़ता है। आपको एक और इंटरेस्टिंग बात इस चौक के बारे में बताते चले, यहाँ पर कैमराज भी इंस्टॉल्ड किए गए हैं ट्रैफिक विभाग द्वारा, ताकि कोई भी गाड़ी चलाते वक्त वायलेशन ना कर पाए ट्रैफिक रूल्स की। और दूसरी तरफ रेहड़ी फड़ी वालों द्वारा, फुटपाथ कवर कर अपना सामान बेचने वालों द्वारा शरेआम रोज शाम के वक़्त जाम लगाया जाता है, जाम की स्थिति गंभीर हो जाती है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस बिल्कुल इस बात को डिनाई कर अपनी आंखें मूंद कर अपने बूथ के अंदर बैठी रहती है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की स्थिति बुरी हो जाती है, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना जाने अंडर द टेबल क्या सेटिंग है और किसके साथ सेटिंग है। कई दफ़ा यहाँ पर देखा गया है कि पेशेंट्स को ले जाते वक्त कभी कभी लोग यहाँ पर बुरी तरह से जाम में फंस जाते हैं। और तो और यहाँ पर एक सब्ज़ी मंडी भी लगती है, ना जाने रेजिडेंशियल इलाके के बीचों बीच विदाउट सेफ्टी मेजर्स देखे कैसे विभाग ने परमिशन दे रखी है चलाने की। ट्रैफिक विभाग की अकाउंटेबिलिटी क्या सिर्फ चालान काटने की है? सड़क पर खामखा अननेसेसरी रॉन्ग वायलेशन की वजह से जो जाम लगता है, उसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी होनी चाहिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जनता कमेंट्स में अपनी राय दे। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1।